welcome to our channel 4g school a smart way of learning through technology my english book 8 standard 8 androcles workshop in the previous video we have learned the story of androcles and the lion in this video we will solve its workshop let's start today's video may harm androcles and lion इस सबक़ के वर्कशॉप के सवाल हल करने में आपकी रहनुमाई करने वाले हैं इससे कबल अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल फोर जी स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और उसकी प्ले लिस्ट में से आठवीं के फोल्डर में से आप उसे देख सकते हैं मैच द प्रेजेस इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी कॉलम ए नंबर वन इज़ लुकिंग आउट फॉर द राइट आंसर इज़ सी ट्राइंग टू सर्च फॉर यू हैव टू राइट द करेक्ट आंसर इन द लाइन्स गिवन बिलो Second, face to face, the answer will be in front of each other. F. Third one, someone upon courage, that is E, try to be brave. Rage melted, fourth one, anger reduced, it's the answer. B, moved by, its answer is D, filled with soft feelings. now read the following sentences from the story they were bound by law to obey their master the kind man bound up the lion's injured paw the lion bonded towards androclis again the word bound carries three different meanings in each of the sentence a rushed forward b forced to follow c tied up पुट द करेक्ट लेटर ए बी सी इन द बॉक्सेज अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर मीनिंग यहाँ पर आपको बाउंड इस लफ्स के तीन मायने वाले अलग अलग जुमले दिए हुए हैं और नीचे उन जुमलों में जो बाउंड इस्तेमाल किया गया है वो अलग अलग मतलब के लिए इस्तेमाल किया गया है आपको यहाँ पर वो ए सी में उसके मतलब दिए हुए हैं और आपको इन जुमलों के हिसाब से लिखना है कि इस जुमले में इसका मतलब क्या है देखिए इसका जवाब देख लीजिए आप हम इसके नीचे आपको तर्जुमा करके दिखाएंगे बी सी और ए इस तरीक़े से इसका सही सिलसिला होगा नाउ ट्रांसलेट ऑफ द थ्री सेंटेंसेस ए बी सी इंटू यर मीडियम ऑफ लर्निंग अब चूंकि आपका मीडियम ऑफ लर्निंग उर्दू होगा इसीलिए यहाँ पर उर्दू में आपको तर्जुमा करके दिखाया गया है फ़र्स्ट वन इज़ दे वर बॉर्न बाय लॉ टू ओबे देयर मास्टर इसका मतलब होगा वो अपने आखा की फरमा बर्दारी करने के लिए कानूना पाबंद है सेकेंड वन द काइंड मैन बॉन्ड ऑफ द लायंस इंजर्ड पाओ यानी इस रहमदिल आदमी ने शेर के जख्मी पंजे को कसकर बांधा थर्ड वन द लाइन बाउंडेड टू वर्ड्स अगेन शेर ने दोबारा एंड्रोकलिस की तरफ छलांग लगाई यानी इस तरह से ये इसका तर्जुमा हुआ सेकेंड क्वेश्चन ए फाइंड फ्रॉम द स्टोरी द एंटोनिम्स अपोजिट वर्ड ऑफ द फॉलोइंगर इज द आंसर काइंड क्रूएल स्लेब मास्टर पनिशमेंट रिवॉर्ड टेंडर टफ पुअर वेल्दी हाई लो अनबाउंड बॉउंड हैप्पी अनहैप्पी फाइंड फ्रॉम द स्टोरी वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द साउंड मेड बाय लाइन यानी कि जिस शेर ने जो आवाजें निकाला था उसके आपको पाँच अल्फाज वो लिखना है फर्स्ट वन ग्राउल्ड सेकेंड रोड थर्ड मोन्ड यानी यानी आवाज़ में कराना, ferocious, बहुत खतरनाक द रिएक्शन दैट फॉलोड ईच ऑफ द एक्शन गिवन बिलो एक्शन आपको दिया हुआ है उसका क्या असर क्या रिएक्शन हुआ वो आपको इसमें दिखाना है ए एंड्रोगलिस डिड नॉट लाइक हिस्सल मास्टर सो यानी को एंड्रो यानी एंड्रोक्लिस को अपने अपना आखा अपना मास्टर जो था हुकमरा वो उसे पसंद नहीं था इसीलिए ही फेल डैथ वॉज बेटर दैन सर्विंग सच अ मास्टर एंड ही स्केप फ्राम द क्लचेस ऑफिस क्रोयल मास्टर यानी उसने सोचा कि ऐसी गुलामी से मौत बेहतर है और इसीलिए वो अपने मास्टर के पास से भाग गया सेकेंड वन द लाइन लुक एट द एंड्रोकलिस पीटर्सली सो यानी कि शेर ने एंड्रोक्लिस को बहुत नरमी से देखा एंड्रोक्लिस पॉज एंड देन ही moved कॉशियसली टूवर्ड्स द लाइन एंड saw द लाइन्स paw वॉज wounded, सोर एंड स्वेलन यानी कि इसलिए उसने जब नरमी से उसे देखा तब एंड्रोक्लिस ने उसके नज़दीक गया है और वो उसके पास उस जाकर उसने देखा कि उसके पैर जो है सूजा हुआ है और उस पर कुछ जख्म है एंड्रोक्लिस bandaged द lion's इंजर्ड paw, सो so, यानी कि एंड्रोक्लिस ने टाइगर लायन का जो जख्मी पैर था उसकी मरम पट्टी की द लायन लिक्ड हिज आर्म एज इफ़ टू शो ग्रेटिट्यूड विच सरप्राइज एंड वंडर्ड एंड्रोकलिस यानी कि शेर ने फिर उसके बाद उसके हाथ चाटने लगा शेर और जो देखकर कर एंड्रोकलिस बहुत ज़्यादा हैरत में पड़ गया और सरप्राइज हो गया डी अ हंग्री फेरोशियस लायन वॉज रिलेटेड रिलीज इन टू द अरिना सो यानी कि बहुत ही भूखा खूखार और ख़तरनाक जानवर शेर अरिना यानी कि अखाड़ा या फिर मुकाबले का मैदान वहाँ पर छोड़ा गया इसके बाद क्या हुआ एंड्रोकलिस वॉज फील्ड विथ फियर बट ही शोड ही वॉज नॉट अफ्रेड यानी कि एंड्रोकलिस बहुत ज़्यादा डर गया लेकिन फिर भी उसने ऐसा दिखाया कि वो इस सिचुएशन से बिल्कुल नहीं घबरा रहा है द लाइन रीच्ड एंड्रोकलिस एंड लाइन एंड्रोकलिस के करीब गया और

बट ही वॉन्टेड टू लाइन टू बी सेट फ्री टू यानी उसने कहा कि मुझे मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ये शेयर भी आज़ाद कर दिया जाए नाउ द सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ पर सवाल दिए हुए हैं आपको उसके बारे में लिखना है राइट इन यूर ओन वर्ड्स थ्री टू फोर सेंटेंसेज अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि इस आपको जो भी सवाल है उसके बारे में आपको तीन से सेंटेंसेस लिखना है द फर्स्ट वन इज़ द कंडीशन ऑफ स्लेव्स इन एनशियट रोम यानी कि रोम में गुलामों की क्या तस्वीर थी या फिर क्या उनकी हालत थी आंसर होगा स्लेवरी इन एनशियट रोम प्लेड एन इम्पॉटेंट रोल इन सोसाइटी एंड द इकोनॉमी बिसाइड म्यूचुअल लेबर स्लेव्स परफॉर्म मैनी डोमेस्टिक सर्विसेज एंड माइट बी एम्प्लॉयड एट हाई स्किल्ड जॉब अकाउंट्स एंड फिजिशंस वेर ऑफन स्लेवस ग्रीक स्लेव इन पर्टिकुलर यूज टू भी हाईली एजुकेटेड अनस्किल्ड स्लेवर्क ऑन फार्म इन माइन्स एंड एट मिल्स देर लिविंग कंडीशन वेर मिजरेबल एंड देर लिवस शॉर्ट यानी किदीम ज़माने के जो ग़ुलों की जिंदगी थी उसमें उन्हें बहुत सारे उनसे काम लिए जा सकते थे उसमें कुछ पढ़े लिखे भी थे जो कि हायर लेवल पर काम करते थे और जो जो अनपढ़ थे जिसके पास कुछ हुनर नहीं था वो खेतों में काम करते थे माइंस में कारखानों में या कानों में काम करते थे और उनकी हालत जो है बहुत ज़्यादा खराब थी एंड्रोकलिस में कौन सी सिफा थी नेक्स्ट इज क्वालिटीज ऑफ एंड्रोकलिस यानी कि एंड्रोकलिस में कौन सी कौन सी सिफात थी उसका आंसर होगा आई थिंक एंड्रोकलिस वॉज अ वेरी काइंड मैन सो ही सॉ द लाइन इन पेन ही डिड नॉट थिंक अबाउट हिज लाइफ वेयर एज ही थाट अबाउट द लाइन डिस्ट्रेस

सो यू हैव टू राइड फ्राम द टेक्स बुक आपको किताब में से सवाल लिखना है यहाँ से जवाब दिखाया गया है आंसर येस इवन वाइल्ड एनिमल कैन बी आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे हैव ऑल्सो फीलिंग्स एंड इमोशंस इफ़ वी हेल्प देम डेफिनेटली दे विल नॉट बी क्रोयल विथ अस दे नो हाउ टू गिव रिएक्शन टू आवर एक्शन इफ़ वी ट्रीट दैम क्रुएली डेफिनेटली दे विल भी क्रोयल विथ अस एंड इफ वी ट्रीट दैम फ्रेंडली अफेक्शुनेटली दे कैन बी आवर फ्रेंड्स यानि के अगर हमने जानवरों के साथ अच्छा सलूक किया तो वो हमारे साथ अच्छा बर्ताव करते हैं लेकिन अगर हम उनके साथ बुरा सलूक करते हैं तो वो भी हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं और ये जो हम उन्हें देंगे वही हमारे साथ पलट कर हमें मिलने वाला है दिस इज द आंसर अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है नरेट क्लास एंड शॉर्ट स्टोरी अबाउट काइंडनेस ऑफ एनिमल हाउ एनिमल्स कैन बी किल्ड काइंड काइंड टू ह्यूमन राइट डाउन द स्टोरी इन योर नोटबुक गिव अ टाइटल ऑफ़ योर ओन यानी ये आपका होमवर्क है ये आपको खुद से लिखना है कि आपके ता, आपके ज़िंदगी में कभी कोई जानवरों के ताल्लुक से कोई स्टोरी आई है या फिर किसी जानवर की रहम दिली का आप पर असर पड़ा है तो आपको वो पूरा पैराग्राफ पहले आप अपनी मदर टंग में लिखिए फिर उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश कीजिए इफ़ यू राइट इन इंग्लिश दैन इज़ वेरी गुड एंड सेंड इट टू योर क्लास टीचर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर योर फॉर मोर वीडियोज ऑफ स्टैंडर्ड एट्थ एंड ऑल सब्जेक्ट्स and do not forget to press bell icon so you, get, you will get the notification of our uploaded video thank you